तो साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि बठिंडा पंजाब में है, ये कॉलेज है जो भारत सरकार केंद्रीय पशुपालन विभाग से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर निशांत जी पहुँचे हैं, आज आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताएंगे। तो आप अभी मिलेंगे डॉक्टर निशांत जी से जो कि एमबीएससी डॉक्टर है। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर साहब, आपका हम यहाँ स्वागत करते हैं। तो अभी आप हमारे बच्चों को कुछ जानकारी दें जिससे बच्चों को गांव में जाके जब काम करते हैं तो इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हम मिलते हैं डॉक्टर निशांत जी से। नमस्कार साथियों, मैं आपको आजकल जो हमारे फील्ड में एक नई बीमारी चली हुई है और यही समय है कि अपने गौ माता बोलते हैं, गौ माता का साथ देने का, तो मैं आजकल जो वायरल बीमारी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ये जो गाय देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जो फोड़े निकले हुए हैं ये बीमारी है। इस बीमारी का नाम एलएसडी या लंपी स्किन डिजीज, यह एक विषाणु जनित वायरल बीमारी है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे भाई इसके क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं, सब कुछ बताने जा रहे हैं आज आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो इसके सिस्टम जो सिम्टम है वो बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसके जो आप देख रहे हैं फोगे, ये इसका नॉर्मल सिम्टम है। जो बाहर फोगे निकल जाते हैं, हो सकता है एक दो भी हो और ज़्यादा भी हो जाते हैं। कई बार पशु के बाहर नहीं होते, अंदर भी बनते हैं। और साथ में इसके बुखार बहुत तेज़ी से 103 डिग्री से लेकर 107 डिग्री तक फीवर आता है इसके अंदर। साथ में पशु कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी आती है, स्वेलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है अगले पैरों में और पिछले पैरों में स्वेलिंग अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। और पशु बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। जिस पशु में थोड़ी बहुत सहने की शक्ति है, जो खुराक है वो अच्छी है, तो वो पशु में बहुत कम आ रही है। अब इसके बारे में अपने बचाव बताते हैं। सबसे पहले बचाव कि सबसे पहले इसको रोकथाम क्यों करनी अपने को अति आवश्यक है, क्योंकि बीमारी फैलती है, क्योंकि यह वायरल बीमारी है। तो सबसे पहले अपने इसको फैलाव से रोकना है। उसके लिए अपने जैसे डेयरी फार्म है, साइपरमेथ्रिन का छिड़काव कर सकते हैं, फिनाइल है, डिटॉल है, उनका छिड़काव करना, साफ सफाई अति आवश्यक है। उसके साथ में अपने नीम वगैरह का जो धुआं है एंटीबायोटिक, उसका भी कपूर वगैरह डालकर धुआं भी करके अपने मच्छर और मक्खियों से अपने पूरी तरह के से बचा तो सकते हैं। ये डॉक्टर साहब फैलती कैसे है, एक पशु से अगले पशु में कैसे फैलती है? वही सर मैं बोला भी है, अभी आपको दोबारा से भी बता देता हूँ कि मेन जो फैलने का कारण है कि मच्छर मक्खी जो कीड़े हैं अपने, उनसे ये पशु एक दूसरे से स्प्रेड हो रही है। ये मच्छर से मक्खियों से होता है जी। तो उसके लिए हम धुएं का या कोई ऐसा प्रबंध करें, फिनाइल, डिटॉल, साइपरमेथ्रिन। तो आप ये किसान भाई सुन पा रहे हैं, तो सर इसका कोई और उपचार, कोई मेडिसिन के बारे में कोई ऐसा? मेडिसिन है, सबसे पहले अपने को इसका कोई पर्टिकुलर अभी तक इलाज आया नहीं है, लेकिन अपने एक सिस्टमेटिक इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक, अच्छे से अच्छा एंटीबायोटिक, क्योंकि फोगे निकलते हैं तो घाव बनते हैं, तो इसके लिए घाव के अंदर अपने पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक ही इसके अंदर सबसे अच्छा काम आता है। और दूसरा जैसे फीवर, हाई फीवर आता है तो पैरासीटामोल का भी अपने करते हैं। और साथ में जो ओरली अपने को देनी है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देनी है कि पशु की इम्यूनिटी या जो रोग से लड़ने की क्षमता जो बढ़ती रहे, फिर पशु अपने आप ही रिकवर हो जाता है। और इसका रिकवर होने का टाइम लगभग 15 से 20 दिन होते हैं, पशुपालकों को घबराई नहीं। एक डॉक्टर साहब मैं बार बार देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे कि आज के दिन जो एलएसडी जो बीमारी चल रही है इसमें इनका दूध ना पिए, इनके ऐसे ये इंसानों में भी आ जाएगी, तो सर इसके बारे में आप जानकारी दें। इसके बारे में लोगों ने एक बहुत ही बड़ी अफवाह फैला रखी है कि ये बीमारी पशुओं से इंसान में आ रही है, लेकिन ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है जी, कि ये पशु से इंसान में आती है। जो लोगों ने वायरल वीडियो कर रखी है वो अपने इंसानों में माता भी निकलती है, आंकड़े भी निकलते हैं, उनके सिम्टम है।
नहीं कि वो एलएचडी के है। दूध उबालकर, कच्चा दूध नहीं पीना है, उबालकर आप जैसे दूध पियो कोई आपको कोई भी डर नहीं है। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपने इतना कुछ बताया है। कई किसान भाइयों के कई बार मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, उन्होंने कई जगह कमेंट भी किए हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस बारे में ज़रूर जानकारी दें। तो दूध जब भी आप पीते हो, आज के दिन जो ये बीमारी चल रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस जब भी दूध है कच्चा ना पिए, इसको उबाल कर पिए, ताकि किसी भी प्रकार का वायरस या कोई कीटाणु है वो उसमें मर जाएगा, इससे आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी। तो हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने यहाँ टाइम निकाला, धन्यवाद। थैंक यू जी।